हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कल के दिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आप सभी लोगों को पता है कल का दिन तो पूरा मोदी जी के भाषण के ऊपर ही फोकस आप सभी लोगों को था। उसके बाद स्टिमुल पैकेज से रिलेटेड कितनी बड़ी बातें सामने आई थी, तो उसमें हम लोगों का गया। बट उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी सामने आई थी, वो है वेदांता से रिलेटेड, जो कि अभी तक आप लोगों को तो पहुंच भी चुकी होगी। बट स्टिल बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर आपने भी इसके ऊपर एक वीडियो बना देनी चाहिए, जिससे हम लोगों को बहुत सारे डाउट है। मैंने कमेंट सेक्शन में देखा डीलिस्टिंग से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को डाउट है कि डीलिस्टिंग होता क्यों है, उसमें हम लोगों का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, शेयर प्राइस क्यों बढ़ता है जब भी डीलिस्टिंग का नाम सामने आ जाता है, वेदांता में आगे क्या होगा, इससे रिलेटेड प्रोसेस क्या होता है, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में। मतलब यहाँ पे हम लोग दो चीज़ों को कवर करने वाले हैं, एक तो डीलिस्टिंग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको कवर करेंगे, वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, एंड सेकंड वेदांता से रिलेटेड भी इस एग्जांपल को पकड़ के हम लोग सीखेंगे, तो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, आप देख सकते हैं एक नई चीज़ आप लोग वापस सीखने जा रहे हो। वैसे तो आप सभी लोग पता है इस चैनल के ऊपर मैं हमेशा आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सिखाते रहता हूँ, तो अगर इस चैनल फर्स्ट टाइम आए रहेंगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक तो कर देना, बट उसी के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना, एंड साथ में बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर हिट भी कर देना, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट नोटिफिकेशन रहेगा वीडियो का वो आप तक पहुँच जाएगा। सो दोस्तों, सबसे पहले आप शुरुआत में देख सकते हो ये वेदांता कंपनी, एंड ये मैंने क्या ओपन किया है, ये है लेटर। वेदांता ने कल लेट नाइट, एक लेट नाइट मतलब थोड़ा सा लेट ही हम कह सकते हैं, एक ज़बरदस्त बात यहाँ पे एक्सचेंज को फाइल की थी। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि वेदांता इस कंपनी को उनके प्रमोटर डी लिस्ट करवाना चाहते हैं। सो डी लिस्ट ये होता क्या है, अगर वही नहीं पता तो ऑब्वियसली बाकी सारी चीज़ों के ऊपर आप लोगों का तो क्वेश्चन मार्क ही आ जाएगा। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इससे डी लिस्ट को हम लोग ये नहीं कह सकते कि कंपनी बंद हो गई, इसको कंपनी बंद होना नहीं कहते, कंपनी अभी भी रहेगी। देखिए, स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी आती है ना, एज एन अ प्राइवेट कंपनियां भी होती है, स्टॉक मार्केट में आती पब्लिक कंपनियां भी बन जाती है, तो उसको ही हम लोग कह सकते हैं कि प्रमोटर वापस इस कंपनी को प्राइवेट बनाना चाहते हैं। इन शॉर्ट, प्रमोटर्स के पास जितने भी शेयर है वो अपने पास ही रखना चाहते हैं, एंड बाकी के जो शेयर्स है वो आपसे अभी खरीदने की कोशिश प्रमोटर यहाँ पे करने वाले है। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें समझनी है, सीखनी है, तो आप लोगों को यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। सो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो आपके सामने कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई है वो आपके सामने ओपन कर दिए। वापस यहाँ पे बता रहा हूँ, डायरेक्टली गोल गोल कुछ घुमाऊंगा नहीं, एग्जांपल को पकड़ के अभी हम लोग इसको समझेंगे, तो दोनों चीज़ आपकी कवर हो जाएंगी। सबसे पहली बात, वेदांता रिसोर्स लिमिटेड ये है होल्डिंग कंपनी, बड़ी कंपनी, एंड हम लोग कह सकते हैं वेदांता उसके अंडर आती है, तो ये वेदांता का डी लिस्ट करवाना चाहती है। जैसे कि मैं बात करूँ, अगर पेरेंट्स कंपनी जो होती है, पेरेंट कंपनी हम लोग कहते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री, आपने रिलायंस जियो देखा है नहीं, तो रिलायंस इंडस्ट्री बड़ी कंपनी है, उसके अंडर कौन सी आती है, रिलायंस जियो आती है, रिलायंस रिटेल आती है, पेट्रोकेमिकल्स आती है, ऑयल नेचर गैस सब आती है। तो वैसे ही ये वेदांता आप लोगों ने ज़रूर सुना है, बट उसको डीलिस्ट कौन करवाना चाहती है, उसकी बड़ी कंपनी जिसको हम लोग होल्डिंग पेरेंट कंपनी बोलते हैं, जिसका नाम है वेदांता रिसोर्स लिमिटेड। तो ये आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे पता करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शुरुआत में ऑफर प्राइस 87.5, जो वेदांता के शेयर होल्डर है उनको कहा है कि 87.5 पे आप लोग शेयर बेचो, हम आपको पैसा देंगे, आप हमें शेयर दे दो, उसके बाद हम लोग इस स्टॉक मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। बट इतना आसान नहीं होता है, 87.5 पे क्या हम लोगों ने शेयर बेचने चाहिए, तो इससे रिलेटेड सारी बातें अभी अभी हम लोगों को आगे देखनी है। तो जैसे मैंने कहा, सबसे पहले आप लोगों ने समझना चाहिए डीलिस्टिंग होती क्या है। तो डीलिस्टिंग मतलब सिर्फ शेयर मार्केट से एग्जिट हो जाना, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। वो शेयर जब मार्केट में लिस्टेड होता है, आप सभी लोग देख सकते हो IPO के द्वारा सब लोग लिस्टेड होते हैं स्टॉक मार्केट में, तो अगर डीलिस्ट होना है तो मतलब आपको एग्जिट होना है मार्केट से। सो इसको ही कहा जाता है कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीलिस्टिंग मतलब शेयर मार्केट से एग्जिट हो जाना, ना कि उस कंपनी को बंद करना। ये कोई हम लोग कंपनी को लिक्विडेट करने की बात नहीं कर रहे, ये कंपनी के शेयर को सिर्फ यहाँ से वो कंपनी एग्जिट होना चाहती है, और उसके बदले में वो जितने भी शेयर है अपने पास लेके आना चाहती है। तो एक बात अभी आपके दिमाग में फिट हो गई, जो कि लोग पूछ रहे थे, क्या कंपनी डूब गई, कंपनी डूबी नहीं है, कंपनी आज भी है कल भी रहेगी। ऐसे कितनी सारी कंपनी है आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलती है, बट वो स्टॉक मार्केट में नहीं रहती है। अगर मैं बेसिक एग्जाम्पल पकड़ लूँ, ओला उबर आप लोगों को स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है नहीं है, वो फिर भी है ना वो कंपनी। तो यही समझना, अगर वो स्टॉक मार्केट में आती है तो उनको लिस्ट करना पड़ेगा। तो यही चीज़ें आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये स्टॉक मार्केट से सिर्फ एग्जिट होना चाहती है, एंड इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो हर एक ऐसे बहुत सारी कंपनी ने ऑलरेडी किया हुआ है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं वेदांता की, तो बहुत सारे लोग यही पूछ रहे हैं, सर ये क्यों एग्जिट होना चाहती है, क्या रीज़न क्या है, कोई फ्रॉड बिड तो ऐसा नहीं है। दोस्तों, इसके पीछे अलग अलग एनालिसिस ने अलग अलग राय बताई हुई है। यहाँ पे तीन मेजर रीज़न सामने आ रहे हैं। सबसे पहले कर्जे से रिलेटेड, कंपनी के ऊपर बहुत भारी कर्जा है, लगभग $7 बिलियन का कर्जा है, एंड अगर हम लोग बात करें $1.9 बिलियन
आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर ही, 1.25 साल के अंदर ही उनको पे करना है, तो उसके लिए तो पैसा चाहिए। तो ये है एक सबसे पहला रीज़न। उसके बाद और एक रीज़न है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब ये कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छा देती है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी डिविडेंड से रिलेटेड। बट प्रॉब्लम ये है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इन कंपनीज के प्रमोटर्स, आप देख सकते हैं इन कंपनी के प्रमोटर मतलब उनके पास है लगभग 50.14% तक के शेयर, लगभग 50% के शेयर्स। तो यही बात समझने की दोस्तों, जो पब्लिक के पास शेयर्स है ना, वो भी 50% के अप्रोक्सीमेटली है। सो डिविडेंड जब भी कंपनी देती है, जो कि भारी भरकम डिविडेंड है, प्रमोटर के पास तो रहता है बट वो बाद में फ्री फ्लोट या फिर हम लोग कह सकते हैं पब्लिक को भी जाता है। सो कंपनी ये नहीं चाहती कि डिविडेंड का जो पैसा है वो भारी के लोगों को मिले, एक काम करते हैं ये हमारी जेब में रहे। तो ये भी एक यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं रीज़न इसके सामने लाया जा चुका है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि रीजंस बताए जा रहे, 2 रीज़न तो बता दिए, तीसरा रीज़न सस्ता मिल रहा है। हालांकि कंपनी के प्रमोटर्स शेयर्स को वापस खरीदना चाहते हैं, एंड अभी का सिचुएशन ये बेस्ट सिचुएशन है। आप लोगों ने देखा होगा कि कितने सारे कंपनी ने बायबैक भी लाया है, मैक्सिमम कंपनीज के प्रमोटर्स कंपनी अपने शेयर खरीदना चाहती है। तो वैसे ये कंपनी भी आप देख सकते सस्ते दाम में मिल रहा है। अगर आप वेदांता नॉर्मल सिचुएशन में जाके देखो, 150-200 रुपये पे चलने वाला स्टॉक था, अभी अगर आप लोग देखोगे 70-80-100 के नीचे ही चल रहा है। सो ये लिस्टिंग डीलिस्टिंग का प्रोसेस है ना, उसमें अगर उनको पे भी करना है ना, चाहे वो आगे जाके वो रिवर्स बुक बिल्डिंग एंड सब चीज़ें प्राइस वो फाइनल ऑफर भी आ जाती है, तो उनका ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, बहुत ही सस्ते दाम में सारी चीज़ें निपटी जाएंगी, एंड इसीलिए ये डीलिस्टिंग यहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसे 3 रीज़न है, कोई एक रीज़न नहीं है। अभी हकीकत में कौन सा रीज़न है वो मुझे भी नहीं पता, बट जितने एनालिसिस ने यहाँ पे रीजंस बताए वो मैंने आपको समरी के फॉर्म में यहाँ पे तीनों कंबाइन करके बता दिए। तो आप लोग अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि वेदांता के डीलिस्टिंग के डिटेल्स क्या है। तो सबसे पहले ऑफर प्राइस 87.5, वापस कहना चाह रहा हूँ ये ऑफर नाम में लिखा है ऑफर, ऑफर मतलब पूछना, ये कोई फाइनल प्राइस नहीं होती है। बहुत सारी निगोशिएशंस चलेगी, बहुत सारी चीज़ें चलेगी, यहाँ पे प्राइस बैंड भी डिसाइड किया जाएगा। जैसे कि मैंने कहा ना, बुक बिल्डिंग हम लोग देखते हैं आईपीओ के वक्त आता है, तब कंपनी पब्लिक को ऑफर देती है, 2 प्राइस बैंड बता देते हैं। तो वैसे ही अभी यहाँ पे जो निवेशक ऑलरेडी जो इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे कंपनी को रिवर्स बुक बिल्डिंग हो जाएगा, यहाँ पे प्राइस बैंड दे देंगे। सो ये ऑलरेडी ऑफर प्राइस बताई गई है, ये कोई फाइनलाइजेशन नहीं है। एंड जैसे मैंने कहा कि वो 50% प्रमोटर्स के पास है, बट बाकी के 50% में ना फॉरेन निवेशक भी आते हैं, म्यूचुअल फंड भी आते हैं, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी आते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े निवेशक आते हैं, वो इस प्राइस के ऊपर एग्री नहीं करने वाले। सो ऑब्वियसली रिटेल निवेशकों का कोई एज सच नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये लोग तो ज़रूर इससे ज़्यादा प्राइस ही यहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं। लगभग 16,000 करोड़ के आसपास ये सारी चीज़ें हम लोगों को होते हुए देखने को मिलेगी। अगर डीलिस्टिंग की अगर हम लोग कॉस्ट देखते हैं तो लगभग $2.2 बिलियन तक हम लोग को ये खर्चा आते हुए देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही कम है दोस्तों। डीलिस्टिंग अगर कोई भी कंपनी करवाना चाहती है बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, एंड फिलहाल की सिचुएशन जैसे मैंने कहा ना, COVID-19 से रिलेटेड बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, तो ये बहुत ही आसानी से सस्ते दाम में भी हो जाएगा। एंड जैसे मैंने कहा कि डिविडेंड सेव, कंपनी लगभग $500 मिलियन तक का डिविडेंड सेव करेगी, जो कि हर साल वो कंपनी देती रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रैकेट में भी मैंने लिखा है कि कंपनी अगर ये डीलिस्टिंग करवाती है, सो $2.2 बिलियन वन टाइम खर्चा है, बार बार थोड़ी ना करना है, बट ये $500 मिलियन जो कि डिविडेंड बार बार बाहर जा रहा है वो प्रमोटर के अकाउंट में ही आना चाहिए, ये तो बाद में सालों तक की ये कमाई होने वाली है। तो इसीलिए वन टाइम खर्चे में ये बहुत ही बड़ा कमाई करने की यहाँ पे सोच रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इमीडिएटली आ जाएगा, क्या यहाँ पे डीलिस्टिंग करने के लिए कोई परमिशन चाहिए, या फिर हर एक कोई कंपनी चलो मुंह उठा के आ गई हम लोगों को डीलिस्ट करना है, इतना आसान नहीं है दोस्तों। तो जैसे मैंने कहा यस, आपको बहुत सारे परमिशंस लेने पड़ते हैं। अगर वेदांता की बात करें तो यस, वो ADR में भी है, आप सभी लोगों को पता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। मैंने कहा था जो कंपनी इंडिया होती है उसको अगर बाहरी दुनिया में अगर अपने शेयर्स बिकवाने होते हैं, अगर अमेरिका की मैं बात करें तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट के द्वारा वो बैंक के थ्रू वो सारा प्रोसेस मैंने बता दिया था। सो US ADR से उन लोगों को अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसी के साथ साथ जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, या फिर आप बोल सकते हो जो बाकी नॉन प्रमोटर होल्डिंग है, वहाँ से भी उनको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड वो भी कैसे, स्पेशल रेजोल्यूशन से लेना पड़ेगा। कैसे, स्पेशल रेजोल्यूशन, एंड वो कैसे होने वाला है, थ्रू अ पोस्टल बैलेट से होने वाला है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, आप देख सकते हैं कितनी सारी यहाँ पे परमिशन के साथ साथ चीज़ें होने वाली है। सो ओवरऑल कंक्लूजन के फॉर्म में हम लोग ये कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा, एंड उसी के साथ साथ शेयर होल्डर का भी अप्रूवल यहाँ पे लगने वाला है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड वो अप्रूवल में भी बताना चाहता हूँ 90% तक का अप्रूवल यहाँ पे होना चाहिए, वरना ये डीलिस्टिंग आगे बढ़ने वक्त बहुत ही तकलीफें सामने आ सकती है। क्या ये जी चीज़ हम लोग यहाँ पे सुन रहे, क्या ये पहली बार हो रहा है? नो दोस्तों, क्या इससे पहले भी ऐसा हुआ था? यस, वेदांता रिसोर्सेज फ्रॉम
प्रोमिनेंट लंदन स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ से भी हम लोगों को ये डीलिस्ट होते हुए देखने को मिली थी 2018 की ये अप्रॉक्सीमेटली ये न्यूज़ है। सो ये इससे पहले भी बहुत सारे कंपनीज हुए, एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना ऐसे कौन से कंपनी है जो कि अभी हाल ही में हम लोगों को पिछले साल में डीलिस्ट होते हुए देखने को मिले। बहुत सारी कंपनी आप लोगों को इजीली मिल जाएगा, गूगल करोगे तो भी मिल जाएगा, बट इतना तो आप लोगों ने ज़रूर सर्च करना चाहिए। तो ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, शायद से आपके नॉलेज के लिए ये फर्स्ट टाइम हो सकता है। उसी के साथ साथ डीलिस्टिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं वॉलेंट्री एंड एक होता है कंपलसरी। वॉलेंट्री मतलब कंपनी खुद करवाना चाहती है, जो वेदांता का एग्जांपल है वो वॉलेंट्री है, कंपनी खुद करवाना चाहती है। उनके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, शायद से कर्जे का हो सकता है, वो डिविडेंड सेव करना चाहते हैं, या फिर अन्य कोई भी अलग रीज़न हो सकता है जो कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिए थे। कंपलसरी में मतलब कंपनी ऐसी कंपनी है जो कि बहुत परेशान करती है स्टॉक मार्केट में, तो सेबी आके बोल रहे कि आप एक काम करो आप यहाँ से निकल जाओ। सो आप समझ सकते हो, तो दो टाइप होते हैं, एक वॉलेंट्री एंड एक कंपलसरी। वेदांता का जो केस है हम लोगों को यहाँ पे वॉलेंट्री देखने को मिल रहा है, ना कि कंपलसरी में। सर अगर हमारे पास वेदांता के शेयर है एंड अगर हम लोगों ने वो शेयर्स नहीं बेचे, कंपनी ऑफर देती है ना 87.5 फॉर एन एग्जांपल, आगे जाके प्राइस बढ़ जाते हैं, ऑफर देती है बहुत बड़ा ऑफर, फिर भी नहीं बेचे, हम लोगों ने बेचना ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप कंपनी की स्टिल आप ओनर ही कहलाओगे। आपके पास शेयर है, आपने पैसा देकर शेयर खरीदा है, कोई फुकट में नहीं मिला है। उसके बाद जो कंपनी का डिविडेंड है वो भी आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है, बट आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाओगे, कंपनी नहीं रहेगी ना, लिस्टेड ही नहीं रहेगी, वो डीलिस्ट हो जाएगी, तो शेयर कहाँ से है, तो वो सिर्फ आपके पास फिजिकली रहेगा, आप उसको ट्रेड नहीं कर पाओगे दोनों एक्सचेंज पे, NSE BSE। तो अगर आपको बाद में बेचना है तो आपको आउटसाइड द मार्केट बेचना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको सेलर के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा एंड उसको बिकवाना पड़ेगा। तो ये है प्रोसेस जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कोई पाप नहीं लगेगा अगर आपने बेचा नहीं, कोई आपका नुकसान नहीं होगा। आप देख सकते हो प्रमोटर खुद ही अपने कंपनी को यहाँ पे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, बट एज एन रिटेल निवेशक आपको इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो आप लोगों को इससे बोलते ना एक मेंटल टॉर्चर बहुत हो सकता है, बहुत तकलीफें हो सकती है, इससे रिलेटेड ज़्यादा नॉलेज मिलता नहीं है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग अपने शेयर्स को वो ऑफर में ही बेचना प्रेफर कर देते हैं। तो ये ऑफर कब आएगी, तो दोस्तों इसके लिए बोर्ड मीटिंग देखना पड़ेगा, 18th में को इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उनकी बोर्ड मीटिंग है, तब क्या आउटकम आता है वो भी देखना पड़ेगा, डेट क्या रहेगी, 1 month का पीरियड होता है, उसके बाद 1 year तक का सेटलमेंट का भी पीरियड होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग को देखनी पड़ेगी। तो यूजुअली अगर आपको मौका मिलता है तो आप चाहो तो एग्जिट हो सकते हो, नहीं भी हुए तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आपको डिविडेंड भी मिलेगा, एंड यूजुअली बहुत सारे जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं ना वो आपको ढूंढते हुए आपको कांटेक्ट भी करेंगे एंड आपको ज़्यादा प्राइस भी देंगे, क्योंकि वेदांता की जो डीलिस्टिंग है वो कोई ख़राब कंपनी नहीं है। अगर कोई ख़राब कंपनी होती है ना तो यूजुअली लोग निकल जाते हैं, बट वेदांता बहुत ही अच्छी कंपनी जो आप सभी लोगों को पता है। तो अगर आप शेयर बेचते भी नहीं हो तो आगे जाके अगर आउटसाइड भी अगर आप सेल करते हो उसको, तो अच्छा खासा आपको मुनाफा ज़रूर होगा। सो दोस्तों एक आखिरी क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि डीलिस्टिंग के वक्त शेयर प्राइस में जंप क्यों आता है, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, तो सीधा कहना चाहूँगा ऑपरेटर्स गेम। यस दोस्तों डीलिस्टिंग के वक्त क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि ऑफर प्राइस होता है, उस प्राइस के बाद वो प्राइस बहुत बढ़ाया जाता है एंड उनको ये भी पता है कि कंपनी इससे ज़्यादा ही प्राइस देंगी। अगर मैं बात करूँ वेदांता जैसी कंपनी में ये सारी चीज़ें आराम से हो सकती है, क्योंकि कंपनी ख़राब नहीं है, उनके प्रमोटर यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि वो चाहते हैं कि वो शेयर्स खरीदना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर उनके पॉकेट में ही रहे, तो ऑब्वियसली अगर वो शेयर आगे भी बढ़ जाता है तो हम लोगों ने हिस्ट्री में देखा है कि डबल ट्रिपल भी दाम उनको मिल जाते हैं। बट जैसे मैंने कहा ये ऑपरेटर्स गेम है, तो थोड़ा संभल के रहना, रिटेल निवेशक इसमें कभी कभी अटक सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दी है। सो दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले आप लोग देख सकते हैं वेदांता का आज के दिन का प्राइस ही 90 के ऊपर जा चुका है। जैसे मैंने कहा ना कि प्राइस बढ़ेगा, ये प्राइस और भी बढ़ सकता है, क्योंकि डीलिस्टिंग के न्यूज़ से प्राइस हमेशा बढ़ता है एंड जो फ्लोर प्राइस अगर ऑफर प्राइस हम लोगों ने देखी थी 87.5 था, तो कौन ये यहाँ पे जो 87.5 के लिए एक्सेप्ट होगा, वो ओपन मार्केट में अभी बेच सकता है। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा वो ऑफर प्राइस थी, ये प्राइस आगे जाते हुए हम लोग को बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिल सकती है। सो वो कब रहेगी क्या रहेगी इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो मैं बाद में ज़रूर बनाऊंगा। जितना इंपॉर्टेंट था आपके नॉलेज के हिसाब से मैंने आप लोगों को कवर करके सारी चीज़ें बता दी। वापस कह रहा हूँ डीलिस्टिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उस अननेसेसरीली वो वीडियो लंबा हो जाएगा, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट था मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए, लाइक करते हो तो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन भी फील होता है, उसी के साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।